हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित खेरा फ्रॉम ऑल एग्जाम प्लेस डॉट कॉम. मैं आपको आज बताऊंगा IBPS PO की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में. तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता क्या है और कितने स्टेज में होता है. तो स्टार्ट करते हैं. तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है प्रीलिम होगा सबसे पहले, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस के बाद होता है इंटरव्यू. तो तीन स्टेज हैं इसमें. प्रीलिम क्लियर करेंगे तो मेंस, मेंस क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू पे आपको बुलाया जाएगा. तो सबसे पहले देखते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम, इसमें क्या क्या सेक्शन आएंगे और ये कितने आवर का होता है और कितने क्वेश्चन होंगे और कब है ये. तो प्रीलिम में तीन सेक्शन होते हैं. एप्टीट्यूड का पहला सेक्शन, सेकेंड रीजनिंग, देन जनरल इंग्लिश. 35 एंड 30 क्वेश्चन होंगे. मार्क्स भी सेम एज इट इज होंगे और टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे. ठीक है. और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है 16, 22 और 23 अक्टूबर दी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में. और इसका जो कट ऑफ जाता है 35 से लेके 50 के बीच में ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा ना उससे कम जाएगा. तो हमें क्या करना है, कम से कम 50 के अबव स्कोर करना है प्रीलिम को क्वालिफाई करने के लिए, ताकि हम मेंस में अपीयर हो सकें. ठीक है. अब इसके बाद जिनका प्रीलिम क्वालिफाई हो जाएगा उनको मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा. तो मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसमें 5 सेक्शन होंगे. ठीक है. और ये 2 घंटे 20 मिनट का होगा. ठीक है. तो सबसे पहले जो सेक्शन होगा वो होगा रीजनिंग. 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 40 मिनट टाइम होगा. और मेंस में जो टाइम है वो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए फिक्स है. जैसे रीजनिंग के लिए मैंने बताया 40 मिनट है, तो वैसे ही इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा और 30 मिनट का टाइम होगा. देन एप्टीट्यूड जो होगा 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स और 40 मिनट का होगा. देन जनरल अवेयरनेस सेक्शन 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 20 मिनट का होगा. देन कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स एंड 10 मिनट. ओके. तो ये हो गया मेंस के बारे में. और मेंस की जो एग्ज़ाम डेट है 20 नवंबर की है. और जो इसका कट ऑफ जाएगा मेंस का वो होता है 75 से लेके 110 के बीच में ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा. तो हमें क्या करना है, 110 के ऊपर ही स्कोर करना है कि हम फाइनल में अच्छे मेरिट बना सकें. अब जिनका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू जो होगा 100 मार्क्स का होगा और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 80-20 के हिसाब से बनेगी. मींस 80% वेटेज होगा मेंस एग्ज़ाम का, 20% वेटेज होगा इंटरव्यू का. तो ये हो गया अपना एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे IBPS PO के सिलेबस के बारे में और क्या सिलेबस है और क्या नहीं है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एप्टीट्यूड के सिलेबस के साथ. तो एप्टीट्यूड में बेसिकली 5 टॉपिक अपन को कवर करने हैं मेनली. तो सबसे पहला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले अपन को कवर करना है क्योंकि इसमें 5 से क्वेश्चन आएंगे. फिर नंबर सीरीज 5 से 10 क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं. फिर सिंप्लीफिकेशन, इससे 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं. सिंप्लीफिकेशन के अंदर अप्रॉक्सीमेशन भी आ जाएगा. फिर DI, इसमें भी 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं. प्री में 5 और मेंस में 5 से 10 भी आ जाते हैं और 15 तक भी आ सकते हैं. उसके बाद मिसेलियस है. मिसेलियस में बहुत सारे टॉपिक हैं तो इससे 15 से 20 से 25 तक क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. तो मिसेलियस में देख लेते हैं, एवरेज हो गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, एलिगेशन एंड मिक्सचर हो गया, परसेंटेज हो गया, देन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन. तो ये टॉपिक हमें अगर हम कवर कर लिए तो हम IBPS PO और क्लर्क दोनों एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं एप्टीट्यूड सेक्शन में ईजली. तो ये हो गया एप्टी का सेक्शन. अब हम चलेंगे रीजनिंग की सेक्शन की बात करते हैं. तो रीजनिंग में सबसे पहले अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इससे भी 5 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम में और मेंस में. देन डायरेक्शन सेट, 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी ईजली मिल जाते हैं. फिर पजल बहुत इंपॉर्टेंट है. इस बार जैसे ही चेंज हुआ है सिलेबस SBI का, तो उसमें
20 से 25 तक क्वेश्चन थे पजल से, तो हमें याद रखना है पजल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिसमें हम ज़्यादा स्कोर कर सकें। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है, देन कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, देन ब्लड रिलेशन, उसके बाद लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, देन ऑर्डर एंड रैंकिंग, देन सिलोजिज्म, देन मशीन इनपुट आउटपुट। ये जो 3 टॉपिक हैं लास्ट के, मशीन इनपुट आउटपुट, एडजप्शन रीजन एंड डेटा सफिशिएंसी, ये जो है मेंस एग्जाम में आएंगे, बाकी जो रहेंगे प्री में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रीजनिंग की बात। अब देखते हैं इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन, जिसे 5 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, देन क्लोज टेस्ट 5 से 10 क्वेश्चन, इससे भी फिक्स हैं, आने ही आना है, सिंगल एंड डबल फिलर 5 क्वेश्चन मिनिमम, देन एरर डिटेक्शन, इससे ही 5 क्वेश्चन, पैरा जम्बल 5 क्वेश्चन फिक्स है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो कि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के अंदर पूछे जाते हैं, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन इजीली आपने को मिलते हैं। तो ये हो गई इंग्लिश के बारे में। देन फोर्थ सेक्शन जो आता है जनरल अवेयरनेस का, ये मेंस में पूछा जाएगा। प्रीलिम में केवल 3 सेक्शन होंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, और जनरल अवेयरनेस जो होगा मेंस में होगा। तो जनरल अवेयरनेस में 3 चीज मेनली होती है, पहला स्टैटिक जीके, देन बैंकिंग अवेयरनेस, देन करंट अफेयर। अगर ये 3 सेक्शन अपन कवर कर लेते हैं तो पूरे क्वेश्चन हमारे इन 3 सेक्शन से ही पूछे जाएंगे। तो ये हो गया जनरल अवेयरनेस की बात। अब लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर, इससे 20 क्वेश्चन आने हैं। तो 20 क्वेश्चन में मान के चलिए बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है और ये क्या नहीं होता, और उसके बाद फिर एमएस ऑफिस से उसकी शॉर्टकट कीज हो गई, ठीक है, तो वो हो गया। और तीसरा जो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट में जैसे क्या चल रहा है, कौन सा सुपर कंप्यूटर है, क्या है क्या नहीं है, तो वो इसके अंडर आ जाता है। तो ये हुई सिलेबस की बात। होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।